हेलो एवरीवन, मैं निकिता और आप देख रहे हैं आपकी खबर। आईफा 2024 का फंक्शन खत्म हो चुका है, लेकिन खूब चर्चा में बना हुआ है। चाहे वो रेखा जी का लगातार 20 मिनट तक नॉनस्टॉप डांस करना हो, या फिर शाहरुख खान और विकी कौशल की लाजवाब होस्टिंग का दिल जीतना, और या फिर स्टेज पर करण जौहर के शाहरुख खान के पैर छूना, सभी सुर्खियों में रहे। आपको बता दें, एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रहा है। इस वीडियो में हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की बड़ी एक्ट्रेस हेमा मालिनी बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान की तारीफ करती नजर आ रही। बता दें, हेमा मालिनी ने शाहरुख खान को उनकी पहली फिल्म दी थी। ऐसे में 32 साल बाद हेमा ने आईफा अवार्ड 2024 के स्टेज पर इस बात को जाहिर किया है। इतना ही नहीं, उन्होंने शाहरुख खान के एक प्रॉमिस भी लिया है। आई रिमेम्बर द टाइम व्हेन आई वाज द वन ऑफ द फर्स्ट वन टू इंट्रोड्यूस यू इनटू दिस ब्यूटीफुल फिल्म इंडस्ट्री। थैंक यू। नाउ टुडे आई एम सो प्राउड ऑफ यू। टुडे यू आर अ किंग ऑफ बॉलीवुड। आईफा का इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी अवार्ड 2024 का सिलसिला अब खत्म हो चुका है, जिसके बॉलीवुड और टॉलीवुड के तमाम हस्तियां शामिल हुई थी और सेलिब्रिटीज ने चार चांद लगा दिए थे और खूब मस्ती भी करी थी। इस बार अवार्ड इवेंट दुबई के अबू धाबी में हुआ था। हेमा मालिनी ने कहा, मेरे पार्लियामेंट क्षेत्र के यूथ मुझसे कहते रहते हैं कि आपने शाहरुख खान को इतना बड़ा स्टार बना दिया, तो आप हमें भी स्टार बना सकती हैं। मैं उनसे कहती हूँ कि ये हो ही नहीं सकता है। शाहरुख बहुत टैलेंटेड है, हमने तो उन्हें सिर्फ एक चांस ही दिया था, लेकिन वो इस मुकाम पर अपनी मेहनत से पहुँचे हैं। इसीलिए आप ये नहीं कह सकते हैं कि हेमा जी आपके हाथ में जादू और आप हमें शाहरुख खान बना दीजिए। आपको मुझसे वादा करना होगा और मथुरा आकर सभी लड़कों से वो कहना होगा जो आप उनसे कहना चाहते हैं। वैसे हमारे किंग खान हैं तो टैलेंटेड, और वो किसी पहचान के मोहताज नहीं है, और उनके फैंस तो दुनिया भर में हैं, और हो भी क्यों ना, आखिर वो इतने टैलेंटेड जो हैं। हाल ही में अपने लाइव पर शाहरुख खान ने कहा, हेमा जी मैं तो यही कहूँगा कि आपके आशीर्वाद रहेगा तो सभी सुपरस्टार बनेंगे, इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है, आपने मुझे ब्रेक दिया इसलिए मैं स्टार बना। लोग वीडियो में कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हुए शाहरुख खान की तारीफ कर रहे हैं। वहीं हेमा मालिनी को ट्रोल भी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर हेमा मालिनी ने आशीर्वाद से कोई शाहरुख खान बन सकता है, तो उन्होंने ये आशीर्वाद अपनी बेटी को क्यों नहीं दिया। अपने लाइव वीडियो में शाहरुख खान ने यह भी कहा कि दुनिया में कोई भी महान काम बिना जुनून के नहीं हो सकता है। वहीं बात करें शाहरुख खान के वर्क फ्रंट की, बड़े पर्दे पर उनकी आखिरी फिल्म जीरो थी, जो 2018 में रिलीज हुई थी। लंबे इंतजार के बाद एक्टर अगले साल पठान, डंकी और जवान के साथ बड़े पर्दे पर वापसी करी थी। पठान में वो दीपिका पादुकोण के साथ फिर से दिखे थे और इसमें जॉन इब्राहिम भी है। डंकी में वो पहली बार राजकुमार हिरानी के साथ सहयोग करते हुए नजर आए थे, जबकि जवान में के लिए उनको एटली के साथ मिला था। ऐसी ही खबरों के लिए आप बने रहिए आपकी खबर के साथ।